अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट देखी थी। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती क्या है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होती है। अगर आप इसे सिंपल वर्डिंग में से कहें तो हमारे पास इसके अंदर एक और इफ होता है, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इसकी कंडीशन लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं कि इफ 5 जो है वो ग्रेटर देन हो 4 के, हमें मालूम है कि ये कंडीशन है ट्रू। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी वाक्य में ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हेलो वर्ल्ड। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें मालूम हो गया है कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली इसकी बॉडी के अंदर एक और इसकी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। बेसिकली यही होती है नेस्टेड इफ। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल इसकी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, हम कहते हैं इफ। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन दे देते हैं। हम कहते हैं कि 4 जो है वो ग्रेटर देन है 5 के, हमें मालूम है कि एक कंडीशन है फॉल्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले से करते हैं कॉपी और नीचे इस इसकी बॉडी के अंदर से कर देते हैं पेस्ट। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं हेलो आई एम इनर इफ, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमारा आउटर इफ है उसके अंदर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं हेलो आई एम आउटर इस स्टेटमेंट, या इस ही रख लेते हैं, ये काफ़ी होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले से रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर सिर्फ डिस्प्ले रहा हेलो आई एम आउटर इफ। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न अभी हम यहाँ पर समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक हो रही है। हमारे पास यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या 5 ग्रेटर देन है 4 के, कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर एक और इफ यूज़ किया है। इस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या 4 ग्रेटर देन है 5 के, कंडीशन है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर इस कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 4 जो है वो लेस देन है 5 के, मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा हेलो आई एम आउटर इफ, और इसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो हेलो आई एम इनर इफ। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास नेस्टेड इफ है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से नेस्टेड इफ वर्क करता है। इसे समझने के लिए मैं आपको PPT स्लाइड्स के अंदर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। अगर हम सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझेंगे स्टार्टिंग से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक हो रही है। ये बेसिकली हमारे पास आउटर इफ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ पर दो वेव्स निकल रहे हैं, फर्स्ट है ट्रू, सेकेंड है फॉल्स। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, इसकी कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स को समझ लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एंड इफ हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर इसका तमाम पार्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सेकंड केस देख लेते हैं, जो कहे अगर हमारी इसकी कंडीशन ट्रू हो तो उस केस में क्या होगा। इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर एक और इफ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज़ हो रहा है। नेस्टेड इफ के केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कह रहा है नेस्टेड कंडीशन, ये बेसिकली नेस्टेड इफ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर दो वेज निकल रहे हैं, फर्स्ट है ट्रू, सेकेंड है फॉल्स। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉल्स वाले को समझते हैं। फॉल्स वाले में बेसिकली क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर ये इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास हो सकता है कि इसके अंदर एल्स पार्ट भी हो,
नेस्टेड इफ का, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर नेस्टेड इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये इसका चैप्टर भी हो जाएगा क्लोज। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर इस इफ की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका सेकेंड देख लेते हैं कंडीशन, जो कि है ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर इफ का चैप्टर हो जाएगा क्लोज। इसका मतलब ये कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फ्रेंड बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड इसका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हमने यहाँ पर जावा की यूटिल की स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लास का नेम टाइप करते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐसे नेम देते हैं INPT इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके पैरामीटर में हम पास कर देते हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारी इनपुट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं ए, और इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं इंटर कीवर्ड। अभी आप यहां पर देखिएगा कि ये प्रोग्राम कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर हमने यहां पर सिंपल का इंटर कीवर्ड, इसके अंदर हमारे पास जो भी यूज़र कीवर्ड इंटर करेगा हम उसके ए के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले INPT जो हमारा इनपुट ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू नेक्स्ट इंट का मेथड को कॉल करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे इस ए वेरिएबल के अंदर इंटीजर डेटा टाइप स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ ए इक्वल इक्वल टू, हमने यहाँ पर जो कीवर्ड जो भी हमारा यूज़र इंटर करेगा उसे मैच करेंगे, इस ए इक्वल इक्वल टू 445, ये हमारा बेसिकली कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं इस ए इक्वल इक्वल टू 445, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी बॉडी की स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये कहेगा कि हमारे पास इंटर पासवर्ड। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही मज़े का प्रोग्राम होने वाला है, मैं यहाँ पर आप सबसे पहले इसे टाइप करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा वो हमारा स्टोर होगा बी नाम के वेरिएबल में। हम यहाँ पर कहते हैं INPT डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। नेक्स्ट इंट के अंदर हम यहाँ पर सिंपल पास कर देते हैं सिस्टम डॉट इंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो भी यूज़र नंबर इंटर करेगा वो हमारे पास यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर थोड़ा एरर आ रहा है, हम इसे ठीक कर लेते हैं। हम कहते हैं INPT डॉट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारा एरर भी सॉल्व हो चुका है। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की थी, हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट इन का मेथड था उसके अंदर हमने गलती से सिस्टम डॉट इन पास कर दिया था, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो भी यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा वो बी नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं इस बी इक्वल इक्वल टू। अब हमें मालूम है कि पासवर्ड सिर्फ हमें और यूज़र जिसने पासवर्ड इंटर करना उसे ही मालूम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहते हैं इस बी इक्वल इक्वल टू, हम पर कोई भी पासवर्ड दे देते हैं 667, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करेगा कि क्या इफ बी इक्वल इक्वल टू 667 है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाएगा लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा इंटर कीवर्ड। अब हमें यहाँ पर अपने इसके अंदर कीवर्ड इंटर करने हैं, हमें मालूम है कि कीवर्ड है 445, तो हम यहाँ पर कीवर्ड इंटर कर देते हैं 445। जैसे हमने यहाँ पर इंटरफेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा इंटर पासवर्ड। अब हमें यहाँ पर पासवर्ड भी इंटर करना पड़ेगा, हमें मालूम है कि हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा पासवर्ड है 667, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे 667। जैसे हमने यहाँ पर इंटरफेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले लॉग इन सक्सेसफुली। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस प्रोग्राम को क्रिएट करने का पर्पज़ क्या था, इस प्रोग्राम को क्रिएट करने का पर्पज़ ये था कि जो हमारी स्टेटमेंट, जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं कि जो किसी कंडीशन के बेस के ऊपर एग्जीक्यूट
हो, हम उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यूज़र ने कीवर्ड इंटर किया, फिर यूज़र ने पासवर्ड इंटर किया और उसके बाद वो उस स्टेटमेंट तक पहुँच गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा और एफिशिएंट बनाते हैं। एफिशिएंट किस तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यह है इसकी बॉडी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारा आउटर इफ है उसके बाद हम यहाँ पर एल्स की बॉडी भी इंक्लूड कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, आपने यहाँ पर इसको समझ लेना है, अगर नहीं समझ आए तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, प्लीज इंटर करेक्ट कीवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा, प्लीज़ इंटर करेक्ट कीवर्ड। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे रन करके चेक करते हैं कि कोई हमारे पास यहाँ पर एरर तो नहीं आ रहा। हमने जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। सबसे पहले हमसे पूछा इंटर कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि कीवर्ड है 445। तो फ्रेंड्स, अगर कोई यहाँ पर नया यूज़र आया, उसे पासवर्ड नहीं मालूम, तो हमें मालूम है कि हम उसे एक्सेस नहीं देना चाहते। तो फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी कीवर्ड इंटर कर देता है 432। जैसे वो यहाँ पर इंटर प्लेस करेगा ना, हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ इंटर करेक्ट कीवर्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, हमने उसे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड की है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर यूज़र कोई भी चांस बाय चांस यूज़र करेक्ट कीवर्ड भी इंटर कर देता है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर यूज़र को पासवर्ड नहीं मालूम तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं एल्स, और इसके बाद हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के जो स्टेटमेंट ऐसे कर लेते हैं कॉपी और नीचे से कर देते हैं पेस्ट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं प्लीज़ इंटर करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमसे पहले पूछा इंटर कीवर्ड, हम यहाँ पर इंटर कीवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड है 445। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पूछा इंटर पासवर्ड। बेसिकली हम यहाँ पर यूज़र हैं, हमें मालूम है कि पासवर्ड क्या है। अगर कोई नया बंदा आता है, उसने बाय चांस कीवर्ड तो उसने कोई लगा दिए जो कि वर्क कर गए, लेकिन उसको पासवर्ड नहीं मालूम, तो उसके केस में क्या होगा, कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र कोई भी गलत पासवर्ड इंटर कर देता है 123। तो जैसे ही इंटर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ इंटर करेक्ट पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा इनर इफ है, इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को समझाने का पर्पज़ ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि किस तरीके से नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। एक मरतबा फिर मैं इसे समराइज करता चलूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया, और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाया ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक की है कि क्या इस ए इक्वल टू 445 है। अगर हमारे पास यहाँ पर यह कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट जंप करेगा इस else पार्ट के अंदर। else पार्ट के अंदर हमने मैसेज डिस्प्ले करा प्लीज इंटर करेक्ट कीवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाया प्लीज़ इंटर पासवर्ड। ठीक है, या इंटर पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा, जो भी वो हमारे पास यहाँ पर बी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही बी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा तो हम यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करें, क्या इस बी इक्वल टू 667 है। इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पर बी 667 हुआ तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में नेस्टेड इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।